बुलेटिन के प्रायोजक हैं एसएमबी प्लाजा, उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ। साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और आईटी प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। भिंडर अस्पताल में शव छोड़कर फरार होने वाले गिरफ्तार मदन पाटीदार को हनी ट्रैप में फंसा कर की थी मोटी रकम ऐंठने के लिए मारपीट। सरसों के खेत में मिला महिला का कंकाल, 2 महीने पहले प्रेमी ने की थी आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। नियम हो रहे धुआं, ओवरलोड वाहन पर पड़ रहे भारी, एक क्रूजर पर 50 से 60 सवारी। और नाबालिग की हत्या करने वाले युवक के घर को लगा दी आग, सारा सामान जलकर राख। बांसवाड़ा आईजी पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर बांसवाड़ा शहर में बढ़ते सड़क हादसे की रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाल आमजन से ट्रैफिक नियमों की पालना करने को प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के शहर में सवारियों की जान जोखिम में डालकर सवारियों से खचाखच भरे वाहन धड़ल्ले से रोज सफर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये नजारा बांसवाड़ा के रतलाम रोड पुलिस चौकी पारला के आगे का है। एक सवारी क्रूजर गाड़ी में करीब 50 से 60 सवारी ठूस ठूस कर भरी हुई है और क्रूजर सरपट दौड़ी जा रही है। खास बात तो ये है कि वहां पुलिस का जवान भी खड़ा है, मगर कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। इस तरह के ओवरलोड वाहन रोज धड़ल्ले से जा रहे हैं, लोग मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं क्योंकि उनके आने जाने का कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है। अब इसे विडंबना ही कहेंगे कि दूसरी ओर बांसवाड़ा आईजी पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर बांसवाड़ा शहर में बढ़ते सड़क हादसे की रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाल आमजन से ट्रैफिक नियमों की पालना करने को प्रेरित कर रहे हैं। आते जाते वाहनधारी जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया है उनको आईजी खुद अपने हाथों से हेलमेट पहना रहे हैं, गुलाब के फूल दे रहे हैं, लेकिन गांव देहातों में सरपट दौड़ रही ओवरलोड यात्री गाड़ियों की रोकने टोकने तक का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आईजी और एसपी के मुहिम केवल औपचारिक बनकर रह गए हैं। यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद, वैदेही फूड प्लाजा का नाश्ता है ही इतना लाजवाब। जब गारंटी शुद्ध मूंगफली तेल की मिलती है तो खाने की भूख और बढ़ती है, क्योंकि क्वालिटी मतलब वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल राडाजी चौराया। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट थाना क्षेत्र के भोगापुरा गांव में नाबालिग लड़की की हत्या करने वाले आरोपी के घर को लड़की के परिजनों ने आग के हवाले कर दिया। करीब एक दर्जन हथियारबंद लोगों ने आरोपी के घर पर धावा बोल दिया और आरोपी के घर पर आग लगा दी। इस दौरान आरोपी आग से बच निकल जैसे तैसे घर से भाग गए। हालांकि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि आज से 4-5 दिन पहले आरोपियों ने नाबालिग बच्चे की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन नाबालिग बच्चे के परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने हत्या करने वाले लड़के के परिजनों के घर पर आवेश में आकर आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। आग लगाने वाले आरोपियों की गहनता से तलाश शुरू कर दी गई है। उदयपुर की हिरण मंगरी थाना पुलिस ने 31 लोगों को 4,50,000 रुपए के गुमशुदा या चोरी हुए मोबाइल को वापस दिलवाया। इन मोबाइलों को तकनीकी की मदद से ट्रेस किया गया और चेतावनी देकर वापस मंगवाया गया। इसके बाद फोन असली मालिकों को लौटा दिए गए। अपने खोए हुए फोन को वापस पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने गुमशुदा मोबाइल को ट्रेस करने व चोरी हुए मोबाइलों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान चलाने के आदेश दिए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लोकेंद्र दादरवाल तथा पुलिस उप अधीक्षक नगर पूर्व उदयपुर शिप्रा राजावत के निर्देशन में हिरणमंगरी थानाधिकारी दर्शन सिंह ने
कमलेंद्र सिंह राजकुमार जाखड़ की टीम गठित की थी। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा गौर करने लायक बात यह है कि पुलिस ने मोबाइल चुराने या फिर किसी के खोए मोबाइल को अपने पास रखने वाले किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। नजर डालते हैं उदयपुर के झाड़ोल से एक बड़ी खबर आ रही है। बागपुरा थाने के तंबोलिया गांव में सरसों के खेत में महिला का कंकाल मिलने का मामला सामने आया है। फिलहाल कंकाल के अवशेष उदयपुर रखवाए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह कंकाल 2 माह पूर्व लापता युवती का हो सकता है। डीएनए रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो सकेगा। इस मामले में एक और तथ्य सामने आया है कि 2 माह पूर्व युवती के प्रेमी ने भी आत्महत्या की थी। गुत्थी सुलझाने के प्रयास में बागपुरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के भिंडर स्थित राजकीय अस्पताल में किराना व्यवसायी मदन पाटीदार का शव अस्पताल में छोड़कर फरार होने के आरोप में एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी एक हनी ट्रैप गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर इनके बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्रवासियों ने नामजद रिपोर्ट पुलिस को पहले ही सौंप दी थी। ऐसे में वारदात होने के करीब 9 दिन बाद इस मामले का खुलासा होने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की, वाइब्स है ये है अपनों की, सिटी वाइब्स है ये। पुलिस द्वारा गिरफ्तार ये सभी आरोपी भिंडर अस्पताल में मदन पाटीदार नामक व्यक्ति का शव छोड़कर फरार होने के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी आरोपी एक हनी ट्रैप गैंग के चलते इस गैंग के माध्यम से पहले किसी को महिला के साथ संबंध बनाने के नाम पर फंसाया जाता है और पुलिस द्वारा गिरफ्तार ये सभी आरोपी भिंडर अस्पताल में मदन पाटीदार नामक व्यक्ति का शव छोड़कर फरार होने के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी आरोपी एक हनी ट्रैप गैंग के सदस्य हैं। इस गैंग के माध्यम से पहले किसी महिला के साथ संबंध बनाने के नाम पर उसे फंसाया जाता है और जब महिला के साथ वह व्यक्ति होटल से बाहर निकलता है उसको ये कहकर डराया धमकाया जाता है कि तूने हमारे परिवार की सदस्या के साथ गलत काम किया है। इसी दौरान बीच बचाव करते हुए गैंग का सदस्य मामले को सेटल कराते हुए मोटी रकम ऐंठ लेते थे। पुलिस ने इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि साजिद और उसका एक साथी अभी भी फरार है। क्षेत्र में 2 फरवरी को 3 आदमी एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करा के गए जो कि मृत हो चुका था हॉस्पिटल में लाने तक और उसके बाद में वहाँ से फरार हो गए। शुरू वाले दिन पुलिस को ये लगा कि ये कोई एक्सीडेंट की बात हो सकती है क्योंकि हॉस्पिटल में यही कहा था कि हमारा दोस्त है इसे एक्सीडेंट हो गया इसे इलाज कराएं तो हमें लगा कि वो डर के भाग गए। पर जब इसको दर्ज किया गया तो एडिशनल एसपी प्रियंका मैडम और जो वहाँ के डिप्टी साहब हैं रविंद्र प्रताप जी उनके नेतृत्व में SHO भिंडर पूनाराम जी ने अथक प्रयास किया। उस पूरी घटना में पीछे से पीछे मूव करते गए पता चला कि एक दिन पहले भी वो उसको एक चित्तौड़गढ़ किसी हॉस्पिटल के अंदर स्थित हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ भी उन्होंने ये कहा था कि हमारा दोस्त इसका एक्सीडेंट हो गया तो हमारे मन में शक उत्पन्न हुआ कि अगर ये एक दिन पहले ही इसका एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल लेके भी गए थे तो उसको तुरंत घर ना ले जाकर या किसी बड़े अस्पताल में ना ले जाकर एक रात वो लोग कहाँ रहे। इसके पीछे फिर जब और क्रम में पीछे चलते गए उसकी सारी ट्रेस आउट की गतिविधियाँ उस लड़की जिसकी डेथ हुई थी तो पता चला कि एक होटल के अंदर उसने रूम बुक किया था और उसमें एक लड़की भी उससे मिलने आई थी। फिर जब इसकी और गहनता में जाके किया तो पता चला कि राजू गुर्जर जो है जो इसके गैंग है उसकी जिसका वो सरगना है उस गैंग के अंदर पुष्पेंद्र सिंह रतन सिंह अनीश ये सब और साजिद ये सब इसके सदस्य हैं। जो छोड़ने आए थे वो राजू पुष्पेंद्र सिंह और रतन सिंह ये 3 व्यक्ति थे। इनका जब पीछा करके इनको पकड़ा गया मध्य प्रदेश से इसको पकड़ के लाया इन तीनों को और जो लड़की थी अंजू उसको भी पकड़ा गया और जो अनीश था उसको भी पकड़ा गया। तो पूरी कहानी जो निकल के सामने आई कि एक हनी ट्रैप का गैंग चला था राजू गुजर जिसमें ये सब सदस्य थे लड़की एक भी हो सकती है अन्य लड़कियों का इस्तेमाल हो सकता है सदस्य कुछ और भी हो सकते हैं जिसकी पूछताछ के अंदर सामने आएगा।
वो एक हनी ट्रैप में फंसाने के बाद में मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि पहले तो लड़की उससे मिलने जाती थी, जब वो आदमी बाहर आता था तो अनीस साजिद वगैरह जाते थे और उसको अपनी घर की महिला बताकर उसको उससे मार पिटाई करते थे, उसको किडनैप कर लेते थे और बोलते थे कि तेरे को हम ये करेंगे वो करेंगे और तेरे खिलाफ केस करेंगे। इतने में जो राजू, पुष्पेंद्र, रतन, इनमें से कोई उसका पहले से कोई ना किसी से बहाने से दोस्त बनता था, वो फिर बोलता था कि उसको जान कहाँ का रहने वाला है, तो उसने बोला सपोज मैं कानोड का रहने वाला हूँ, तो वो बोलता था कि अच्छा पुष्पेंद्र जानता है, बोलता हाँ साहब जानता हूँ, फिर उसको दोस्त बन के उसको लेके आते थे, फिर वो आके उससे मांडवाली करता था, उससे पंचायती करता था कि कितने पैसे में सेटल कर देते, कितने पैसे में सेटल कर देते हैं। इस केस के अंदर 6 लाख रुपये के अंदर ये सेटल हुआ। सेटल होने के बाद उससे मार पिटाई ऑलरेडी हो चुकी थी, थोड़ी गंभीर किस्म की हो चुकी थी, ज़्यादा चोट लगी थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल में लेके गए, पर जब तक पैसा नहीं आएगा जब तक उसको छोड़ने की ना बात पे रात भर भी उन्होंने अपने साथ रखा। इन बिटवीन जब वो सुबह उसकी तबीयत बिगड़नी चालू हुई तो वो थोड़ा घबरा गए, उनको लगा कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, कि उनकी पहले सेटिंग हो चुकी थी कि ये पैसे देगा तो मुंह तो ये खोलेगा नहीं। उनके जितने भी विक्टिम थे उनके मतलब इनके USP यही थी कि वो मुंह नहीं खोलते थे। जब पहले दिन हॉस्पिटल में गया तब भी उसने कुछ नहीं बताया कि उसे लगा मेरा केस सेटल हो गया, बिना बात में मुझे बलात्कार का या ना कोई केस लगेगा तो चुपचाप पैसे देके छूट जाता हूँ, क्यों अपने बिना बात करूँ, तो एक्सीडेंट उसने बताया। इस केस के अंदर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब, जब वो पहुँचे तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी, जब उनको पता चला कि ये मृत हो गया तो वो वहाँ से भाग गए। फिर टीम ने पूरा करके इस गैंग के जो मुख्य सदस्य राजू, पुष्पेंद्र, रतन, अनीस और अंजू गिरफ्तार कर लिया। साजिद और एक अन्य सदस्य अभी गिरफ्तार नहीं हुए, उनके पीछे हैं। इन्होंने जो अन्य वारदातें की थी अलग अलग जिलों में उसके पीछे भी इससे पूरी तफ्तीश हो गई है, जिसमें से प्राइम ऑफिस आई है कि डुंगला, बादसोड़ा, सावलिया जी और असादरा, इनमें भी इन्होंने इसी तरह के किसी विक्टिम से हनी ट्रैपिंग के अंदर वसूली करी है, तो इसका भी अभी पता लगाएंगे और कहां का इन्होंने इस तरह के कांड किए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भिंडर अस्पताल में शव छोड़कर फरार होने वाले गिरफ्तार मदन पाटीदार को हनी ट्रैप में फंसा कर की थी मोटी रकम ऐंठने के लिए मारपीट। सरसों के खेत में मिला महिला का कंकाल, 2 महीने पहले प्रेमी ने की थी आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। नियम हो रहे धुआं, ओवरलोड वाहन पर पड़ रहे भारी, एक क्रूजर पर 50 से 60 सवारी। और नाबालिग की हत्या करने वाले युवक के घर को लगा दी आग, सारा सामान जलकर राख। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए News 91 पर। नमस्कार, ये है Channel 91+ नेटवर्क और आप देख रहे हैं News 91। News 91, आवाज हम सबकी। बुलेटिन के प्रायोजक हैं SMB प्लाजा, उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ, साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852।